सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल ये कौन है? ये बगल वाला। उत्तरकाशी के टनल में 41 बेहद आवश्यक जिंदगियां जीवन जीने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन और शासन ने देर सही लेकिन उन्हें बचाने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर चुकी है और बीते 10 दिनों से भी ये जद्दोजहद जारी है। हालांकि कामयाबी उस स्तर तक की नहीं मिली थी जो अब 1 से 2 दिन पहले मिलना शुरू हुई है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है इसलिए सरकार और रेस्क्यू टीम कोई गलती भी नहीं करना चाहती जिससे उन्हें कोई खतरा पैदा हो सके। इस बीच खबर आई कि सीएम धामी ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत कर पूरी जानकारी दी है। इधर श्रमिकों को खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। वे किस हाल में हैं? इसे जानने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी फिट किया गया है। इधर खबर है कि सारे मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं। मजदूरों की पहली फुटेज सामने आने के बाद से लोगों में खुशी की लहर भी है कि वे इतने दिनों से ठीक ठाक हैं। इधर अब इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल आज तूल पकड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से बैटिंग करते हुए कद्दावर नेता राहुल गांधी ने इस पर मीडिया पर ही आग बबूला हो गए और मीडिया पर खिंच निकालते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि ये लोग मजदूरों की खबर क्यों नहीं दिखाते, बस दिन रात क्रिकेट की खबर दिखा रहे हैं। उधर मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, मजदूर फंसे हुए उत्तराखंड में, जमीन के नीचे धसे हुए हैं। 24 घंटा मीडिया क्रिकेट की बात कर रही है, अच्छी बात है, 2 मिनट उनको भी दे दो, 2 मिनट हमें हमारे मजदूरों को भी दे दो। तो मेरा कहना है मीडिया में नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा आता है, क्यों आता है? टीआरपी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इनका काम करते हैं, अदानी का काम करते हैं। अदानी अंबानी और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा सौदा है। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी का पैसा उधर भेजते हैं और वो नरेंद्र मोदी का चेहरा इधर दिखाते हैं। मजदूर फंसे हैं उनकी खबर नहीं दिखा रही मीडिया, सुना आपने? इस पर सवाल जहां सत्ता पक्ष से बनता है तो दूसरी ओर कांग्रेस से भी बनता है। क्या उत्तराखंड की कांग्रेस को यह भनक नहीं था कि मजदूर इतने दिनों से फंसे हैं? रेस्क्यू के काम को आखिर जनता ने कैसे जाना? अगर मीडिया ने खबर नहीं दिखाई तो आखिर लोगों को मालूम कैसे चला कि सुरंग में 41 बेहद मासूम जिंदगियां फंसी हैं? विश्व कप को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का हाल यह था कि दोनों ओर के नेताओं ने बस इसका फायदा उठाने का काम किया। दोनों तरफ से दनादन ट्वीट पर ट्वीट जारी थी। लिहाजा अब खबरों ने तूल पकड़ा तो आज नेताओं को भी मजदूरों की चिंता सताने लगी। सवाल है कि क्या इस मामले को राजनीतिक रंग देना अब उचित नजर आ रहा है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।